हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, किस फील्ड में आपको लाभ मिलेगा, नौकरी लगेगी या व्यापार करेंगे, घर में नया मेहमान आएगा, घर शुभ कार्य होगा, ये सब बताएंगे। अगर कोई घर में बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आज आपकी माली हालत कैसी रहेगी, आपकी पदोन्नत कैसी होगी, राजनीतिक क्या हाल होंगे, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपको सावधानियां क्या बरतने, उपाय क्या करना है और आपके लिए शुभंक आज क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सब भी बताएंगे। और यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है, आप जानना चाहते हैं तो क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना प्रश्न लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके हमारे पास भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, आज आपके महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने का समय चल रहा है। अर्थ के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। मान सम्मान मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजनीतिक लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको पदोन्नत हो सकती है। यदि आप नए तरह का प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर या प्रिंसिपल या शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आप सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों का है, तो आज आपको उस क्षेत्र में उपलब्धि मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप लेखन कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बेहतरीन है। यदि आप कोई किताब, साहित्य लिखना चाहते हैं तो उससे आज आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कीमती सलाह से धन कमाएंगे और अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, कटु भाषा बोलने से बचने की जरूरत है। माता पिता का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। पुराने मित्रों के मिलने से आज थोड़ा मन दुखी हो सकता है, किसी बात को लेकर के मन मुटाव हो सकता है। जिसके साथ आप कार्य करते हैं अपने निचस्त या उच्चस्त लोगों से, सहयोगियों से आज आपको थोड़ी मानसिक पीड़ा मिल सकती है। छोटी छोटी बात को लेकर आप परेशान हो जाते हैं तो हेल्थ वेल्थ को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है और बेवजह बात को लेकर के टेंशन न पालें। सकारात्मक विचारधारा ही मन में रखें, नकारात्मक विचारधारा अपने इर्द गिर्द न आने दें तो आपके लिए बेहतर होगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, भाई बहनों का सुख मिलेगा, संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है, भाग्य साज आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, आय के जरिया बढ़ेगा और नए तरह के कार्यों से आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी कि मन पर नियंत्रण रखना है और अज्ञात व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और लक्ष्मी नारायण अभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपको आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है हल्दी कलर। हरे कृष्ण।